CAA और NRC के विरोध में देश के ज्यादातर हिस्सों में जन आक्रोश जागा है और संसद में पास किए गए काले कायदे के खिलाफ विरोध दर्शाते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आज रोज भारत बंद का ऐलान जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में सूरत शहर में लोगों द्वारा इस आंदोलन में रिकॉर्ड ब्रेक समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सूरत के नानपुरा मटन मार्केट विस्तार में महिलाओं द्वारा इस काले कायदे के विरोध में अनोखे तरीके से विरोध दर्शाया गया। आपको बता दें कि जिस दिन से संसद में CAA और NRC एक्ट लागू करने की बात उठी है, उस दिन से लेकर के आज तक देश के कोने कोने में हर हिंदुस्तानी द्वारा इस नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध दर्शाया जा रहा है। इस कायदे के विरोध के चलते देश के कुछ हिस्सों में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं रैलियां निकाली गई, कहीं पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए गए। उसके बावजूद भी सरकार इस मामले में नहीं जाग रही है और गहरी नींद में सोई पड़ी है। आपको बता दे कि सरकार को इस गहरी नींद से जगाने के लिए और इस काले कायदे को नस्तनाबूद करने के लिए आज रोज 29 जनवरी 2020 के दिन भारत बंद का ऐलान जारी किया गया है, जिसके चलते आज रोज भारत बंद के ऐलान के दौरान भी लोगों द्वारा इस काले कायदे को लेकर विरोध जारी है। आपको बताते चले कि सूरत के नानपुरा मटन मार्केट विस्तार में महिलाओं द्वारा एक अनोखे तरीके से विरोध दर्शाया गया, जिसमें सभी मुस्लिम महिलाओं द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अल्लाह की इबादत कर बड़ी ही शिद्दत और खुसूसी से दुआ मांगी गई और इस काले कायदे को वापस लेने के लिए सरकार से अपील की गई। इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस धरना प्रदर्शन में जुड़ी और शांतिपूर्ण माहौल में धरना प्रदर्शन किया गया। CAA और NRC के खिलाफ विरोध में समर्थन दिया है। आज हम आए हैं सूरत के नानपुरा विस्तार में, जहां पर आप देख सकते हो कि मुस्लिम औरतों द्वारा CAA और NRC के विरोध में अलग ही तरीके से विरोध किया जा रहा है। चलिए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनकी राय, CAA और NRC के विरोध में उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? नीलोफर अयूब खान। और ये कौन सा विस्तार है? नानपुरा मार्केट। और किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है, शांतिपूर्वक हम लोग अमन के लिए हिंदुस्तान के दुआ कर रहे हैं। NCR, NPR और CA ये वापस ले ले सरकार, क्योंकि ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। ये हमारा, हमें संशोधन नहीं चाहिए। सरकार से हमें अपील है कि हमें कोई भी, हमारा संविधान जो है वो हमारा, हमें पसंद है और हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए वो कानून बराबर है और हमें वही कानून चाहिए। दूसरा हमें उसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। इस कानून के आने से हमारे देश की जनता को बहुत नुकसान होगा, जो हम लोग को नज़र आ रहा है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठकर अमन के साथ, हमारे साथ कम से कम 40-45 औरतें जुड़ी हुई हैं, जो सब यहाँ बैठ कर दुआ कर रही हैं अल्लाह से, क्या यहाँ पर अमन रहे और सब पूरे देश में अमन रहे, ये कानून ख़त्म हो जाए और सरकार को भी चाहिए ये कानून ख़त्म कर दे, क्योंकि ये कानून नुकसान के लिए है। हमने उन्हें चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि वो हम लोगों से नागरिकता का सबूत मांगे, कागज़ मांगे। हम लोग कागज़ दे सकते नहीं दे सकते, कोई दे पाएगा कोई नहीं दे पाएगा। किसी का घर बाढ़ में बह गया है, किसी का घर में आग लग गई है, कोई, और अभी तक तो पूरा शिक्षित भी नहीं हुए हैं लोग। आज 70 साल में हर गली में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास शिक्षा नाम के लिए नहीं है, तो वो कागज़ किधर से दिखाएंगे और कहाँ से लाएंगे? ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। हम गांधीवाद की तरह अहिंसा से सत्य के रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं और हमें अपना संदेश मोदी जी के पास पहुंचाना है, वो हमारी बात माने और कानून को वापस करें। जी, आपका नाम? फरहत शेख। और इस विरोध प्रदर्शन में कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? अराउंड 40-50 फीमेल्स हैव गैदर्ड हियर इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA, NRC एंड NPR, एंड वी आर अपोजिंग इट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट ऑल इंडियंस
India is a secular state country, sorry. So here we can say that no one is discriminated. So according to that, I want to say that the law which is put forward should not be going to happen in our country. And so we, all the citizens of our country, want to take away this law, and we don't want to accept it. Everyone over here is just appealing to our government that the law should be taken away and it should not be put forward, as everyone is dying here. Everyone wanted that the law should not proceed further. ऐसे ही दूसरे इलाके की दूसरी खबर के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार इंडिया न्यूज़। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ मैं परवीन पठान, समाचार।